यूपीएससी लैबोरेटरी में आप सबका स्वागत है और इस आशा के साथ कि आप सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो की अगली कड़ी। जो भी करें सर्वोत्तम करें। सफलता के लिए आवश्यक है कि जो भी कार्य आप करें अपनी पूरी योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं सामर्थ्य से करें। यदि हम यह कहें कि हर उत्तम या श्रेष्ठ ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति सफल हो जाएगा तो यह पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा में और भी तो उत्तम या श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अतः सफल तो वही होगा जो सभी में सर्वोत्तम होगा। यह बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम योग्यता क्षमता से कोई कार्य करता है वह भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेता है। उसकी कार्यशैली, उसकी कर्मठता, उसकी श्रम क्षमता आदि सबों से हटकर एक नूतनता, अनूठापन लिए हुई होती है। एक बार प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी जब नवयुवक ही थे तब उनके अध्यापक ने उन्हें एक चित्र पूरा करने को दिया जो उस अध्यापक ने बनाना शुरू ही किया था। अध्यापक ने लियोनार्डो की हिचकिचाहट देखकर उसे कहा, डू योर बेस्ट। लियोनार्डो पहले तो घबराया, लेकिन जब अध्यापक ने पुनः उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा डू योर बेस्ट तो लियोनार्डो ने ब्रश पकड़ी एवं चित्र पर कार्य करना शुरू किया। फिर तो लियोनार्डो उस चित्र में इस तरह खो गया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। और जब लियोनार्डो ने उस चित्र को पूरा किया तो अध्यापक जी अवाक रह गए एवं वाह वाह कह उठे। उन्होंने अपने शिष्य लियोनार्डो को गले से लगा लिया और उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, माय सन आई पेंट नो मोर। यद्यपि हम में से हर एक लियोनार्डो जैसा योग्य नहीं हो सकता, तथापि ईश्वर ने हमें जो क्षमता और योग्यता प्रदान की है हमें उसका पूर्ण दक्षता से उपयोग करना चाहिए। आपने बहुत बार ऐसे निम्न वाक्य सुने होंगे, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट और आई विल डू माई बेस्ट। ये वाक्य क्या व्यक्त करते हैं सोचिए। कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। अधिकांश व्यक्तियों की कथनी एवं करनी में बहुत अंतर होता है। इन वाक्यों का अर्थ है कि आई विल मेक सम एफर्ट बट आई डोंट रियली एक्सपेक्ट टू सक्सीड। ऐसे व्यक्ति इन वाक्यों को बहाने की तरह अपनी असफलता, अपनी अकर्मण्यता एवं अपनी कमजोरियों को छुपाने हेतु उपयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए इन वाक्यों का सचमुच अर्थ होता है। वे सफलता प्राप्त करने हेतु अपनी पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य को पूरे आत्मविश्वास एवं दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु झोंक देते हैं और अंततः ऐसे ही जुझारू व्यक्ति विजयश्री प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं। डोंट जस्ट से टू बी बेटर देन अदर्स, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। इंस्टेड ट्राई एंड ट्राई वेरी हार्ड। दूसरों से अधिक अच्छा बनने का प्रयास ही ना करें, क्योंकि इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपको पता नहीं कि दूसरे व्यक्ति कितना योग्य है। इसकी अपेक्षा बार बार निरंतर कठोर प्रयास करें जिससे आप स्वयं की अधिकतम क्षमता एवं योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम बन सकें। सर्वोत्तम बनने का अर्थ अपनी पूरी सामर्थ्य को एकत्रित कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगाना है, जिससे सफलता की प्राप्ति अपरिहार्य हो जाए। भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। छोटी छोटी बातों को तूल न दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कितनों ही मामलों में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है, सब तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक एक दिन कुछ ऐसा घटित होता है कि वह धरातल पर आ जाता है, या यह कहें कि उसकी सफलता के मार्ग में अचानक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। एक व्यक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक में बड़ा अधिकारी था। उसकी गिनती ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं मेहनती अधिकारियों में की जाती थी। उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल माना जाता था। एक दिन अपने से बड़े अधिकारी से किसी छोटी सी बात पर तर्क वितर्क होने से बड़े अधिकारी ने उसे कुछ कह दिया तो उस व्यक्ति ने बैंक से त्याग पत्र दे दिया। सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा कई बार होता है, आप छोटी सी बात पर अपना संयम खो बैठते हैं, भावुक होकर एक गलत निर्णय ले लेते हैं। जीवन एक संघर्ष है, यहाँ भावुकता का महत्व है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व बहुत ठंडे दिमाग से विचार करने के बाद ही निर्णय करें। एक अधिकारी अपने केबिन में एसी नहीं चलने से अपने से बड़े अधिकारी से क्रोध में आकर सार्वजनिक रूप से इतनी बुरी तरह उलझ गया कि उस बड़े अधिकारी को स्वयं की इज्जत बचाने के लिए उस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी।
इससे उस अधिकारी का कैरियर तबाह हो गया। जीवन में सफल होना है तो छोटी छोटी बातों को तुल ना दें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने स्वाभिमान को ही भूल जाएं। याद रखें, स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में विनम्रता, संयम एवं विचारपूर्वक निर्णय लेने के गुण भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक व्यापारी ने एक शानदार कंपनी की डीलरशिप इसलिए छोड़ दी क्योंकि कंपनी ने उसके मात्र 3,000 के एडवर्टाइजमेंट खर्चे को वहन करने से मना कर दिया था। भावनाओं में बहकर लिए गए बचकाने निर्णय आपकी सफलता की राह को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं। किसी कंपनी ने अपने 4 अधिकारियों हेतु 4 फ्लैट बनाए। जिस अधिकारी को 4th मंजिल का फ्लैट आवंटित हुआ वह उन सब में वरिष्ठ था, लेकिन फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी से किया गया था। वह अधिकारी इतना नाराज हुआ कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन कंपनी को उस अधिकारी को निकालने पर विवश होना पड़ा। कई व्यक्ति अहंकार को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं कि वे स्वयं ही उसका शिकार हो जाते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना आना चाहिए। आप जितने व्यापक ढंग से सोचना शुरू करेंगे, आप उतने ही अधिक इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करने में सफल हो जाएंगे। कई बार अपने से कनिष्ठ अधिकारियों की बातों को जानबूझकर नज़रअंदाज करना आवश्यक होता है। कई बार स्टाफ के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से की गई टिप्पणियों को नज़रअंदाज करना आवश्यक होता है। जब तक आपके समक्ष ही कोई विशेष बात ना हो जाए, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। बड़ा सोचें, आगे बढ़ें। थिंक बिग एंड गो अहेड। कई लोगों को रेल के पहियों से प्रेरणा मिलती है। रेल के पहिए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमेशा अपनी धुरी से जुड़े रहते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हम एक साथ बहुत से कार्य नहीं कर सकते। हमें किसी कार्य को पहले और किसी कार्य को बाद में करने हेतु चुनाव करना होगा, या चुनाव ही प्राथमिकता तय करना है। हर कार्य का अपना महत्व होता है। कोई कार्य आज ही पूर्ण करना है, कोई कार्य 3 दिन बाद भी किया जा सकता है, तो कोई कार्य अभी तुरंत शुरू करके शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना आवश्यक होता है। अगर प्राथमिकताएं सही तरीके से तय की जाएं, तो आप पाएंगे कि आपकी 80% सफलता आपके 20% कार्यों पर ही आधारित होती है। इसका अर्थ यह है कि 100% कार्यों की लिस्ट में से 20 कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, सो आर द आंट्स। द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर वी बिजी अबाउट। मात्र व्यस्त रहना, जैसे चींटियां हमेशा रहती हैं, पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किस कार्य में व्यस्त हैं। हमें अपने कार्यों का विभाजन अपने लक्ष्य के संदर्भ में उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्राथमिकताओं में विश्वास नहीं करते। यदि उनसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उनका उत्तर हमेशा यही होता है कि एवरी वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत व्यस्त मिलेंगे। वे अपने कार्य को समन्वित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमेशा वे स्वयं भी तनाव में रहते हैं, उनके साथ कार्य करने वाले अन्य सदस्य साथी भी तनाव में रहते हैं। या तो हमें समझना ही होगा कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है। सारे काम व्यक्ति एक साथ पूरे नहीं कर सकता है, अतः प्राथमिकताएं तो तय करनी ही होंगी। जब हम सुबह दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमें प्रथम 3 कार्यों की प्राथमिकताएं तो तय कर ही लेनी चाहिए। फिर भी अन्य 3 कार्यों को प्राथमिकता सूची में रख लेना चाहिए। इस तरह से कार्यों का उचित बंटवारा करने से आप प्रसन्नचित रहेंगे, संतुलित रहेंगे एवं आप में तयशुदा कार्यों को समय पर पूर्ण करने से एक आत्मविश्वास जागृत होगा, जो शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक प्रेरक का कार्य करेगा। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। टास्क नंबर 1, वर्क टू बी कम्प्लीटेड टूडे। टास्क 2, वर्क टू बी कम्प्लीटेड टुमारो। टास्क 3, वर्क टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ वीक। टास्क 4, वर्क टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ फॉर्नाइट। टास्क 5, वर्क टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ मंथ। इस तरह T1 से T5 तक के कार्यों का विभाजन, यदि हम उनको पूर्ण करने की समय सीमा के आधार पर करें, तो कार्यों की प्राथमिकताएँ भी तय हो जाती हैं, तथा हर कर्मचारी, स्टाफ एवं स्वयं आप भी संतुष्ट एवं संतुलित रहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों के विभाजन का निम्न एक अन्य तरीका भी है। P विजुअल मस्ट डू, Q इम्पॉर्टेंस शुड डू, R नाइस मे बी पोस्टपोन्ड।
है ना, इस तरह PQR मेथड से भी कार्यों का विभाजन करके उनके महत्व के अनुसार किया जा सकता है। कई बार अचानक ही अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अपनी बनाई सारी सूचियां काम करने पूर्ण करने की समय सीमाएं गड़बड़ हो जाती हैं। ध्यान रहे, यह स्थिति एक सामान्य बात है, यह कोई ऐसी दुर्घटना नहीं है जो बहुत ही कम होती है। ऐसा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में होता ही है। इसके लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपका संपर्क रहेगा, बाजार की जितनी अधिक जानकारी आपको होगी, आपको ऐसी परिस्थितियों का उतना ही शीघ्र पूर्वानुमान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय विषम परिस्थितियों के लिए रखें। प्राथमिकताएं तय करते समय ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि दोनों कार्यों को अभी निपटाना है तो क्या करें। यह तभी संभव है कि जब आप उचित तरीके से प्राथमिकताएं तय करें, आकस्मिकता हेतु स्वयं को तैयार रखें, कुछ समय इसके लिए अवश्य रखें। सक्सेस इज ओनली अनदर फॉर्म ऑफ फेलियर इफ़ वी फॉरगेट व्हाट अवर प्रायोरिटी शुड बी। हैरी लॉयड। नैतिकता सफलता का सही आधार। एक समय था जब नैतिक मूल्यों के आधार पर मनुष्य का सम्मान होता था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म एवं नैतिकता को महत्व दिया जाता था। नैतिक मूल्यों का वास्तविक रूप से पालन हमारे आचरण और व्यवहार में स्वतः ही होता था। हम संतुष्ट थे, स्वस्थ थे एवं प्रसन्न जीवन व्यतीत करते थे। आज स्थितियां बदली हुई हैं। नैतिकता की बात करना भी हास्यपद है। व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर हो गया है। हम भौतिकतावादी के इतने अधिक गुलाम हो चुके हैं कि हमारा एकमात्र ध्येय अर्थ उपार्जन ही रह गया है, जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। सफलता का स्वरूप मात्र धन की आधिकारिक वृद्धि तक सिमट कर रह गया है। जो जितना अधिक धन उपार्जित कर सकता है, उसे उतना ही अधिक सफल माना जाने लगा है। समाज में अनिति पूर्वक केन प्रकारेण धन संपदा अर्जित कर लेने वाले व्यक्तियों को ही सम्मान मिल रहा है। सर्वत्र पूंजीपतियों एवं रईस व्यक्तियों की तूती बोलती है। सदाचारी, नीतिवान एवं सच्चरित्र व्यक्तियों का महत्व ना के बराबर हो गया है। आज हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे उचित, अनुचित या भ्रष्ट कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। भ्रष्टाचार एवं अनुचित कृत्यों से कमाए जा रहे धन से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। कहते हैं, जैसा आए धन वैसा होए मन। आप जिस प्रकार के भ्रष्ट तरीके से धन अर्जित करते हैं, आपका आचरण वैसा ही दूषित होने लगता है। मेहनत से उपार्जित धन को आप गलत कार्यों में वह नहीं करेंगे, लेकिन रिश्वत से कमाया गया धन न केवल आपको गलत राह पर स्वतः ले जाएगा, बल्कि आपकी संतान भी उसी राह पर चलने लगेगी। जिस पैसे को आप सफलता का प्रतीक प्रतिबिंब समझ रहे हैं, वह वस्तुतः आपको असफलता के ऐसे अंधकारमय गर्त में धकेल रहा है जहाँ से सकुशल आना संभव नहीं है। आज की नई पीढ़ी में व्याप्त कुरीतियाँ, चरित्रहीनता, अश्लीलता आदि क्या इस तरह से अर्जित धन की उपज नहीं है? यदि गंभीरता से विचार करें तो आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि इन सब का संबंध कहीं ना कहीं आपके द्वारा गलत प्रकार से अर्जित धन पूंजी से अवश्य है। फिर क्या यह सफलता वस्तुतः सफलता है? निश्चित ही सफलता नहीं, बल्कि यह एक ऐसी भयानक असफलता है जहाँ पहुँचने के बाद सकुशल वापसी दुर्गम है। आचरणहीन व्यक्ति धनी हो सकता है, लेकिन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में समान नहीं हो सकता। चरित्रहीन व्यक्ति घोर व्यसनी होते हैं एवं धीरे धीरे स्वयं के कर्मों से ऐसे गर्त में जा गिरते हैं कि एक समय बाद इन्हीं कर्मों के कारण वे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। नैतिकता का आस हमें सफलता के गहरे दलदल में धकेल रहा है। जीवन में वास्तविक सफलता हेतु नैतिक मूल्यों के सम्मान की परम आवश्यकता है। अपना नैतिक स्तर उच्च स्तरीय बनाए रखकर ही आप अपने वास्तविक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और उसे साकार रूप प्रदान कर सफलता की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। चारित्रिक मूल्य को अपनाने, नैतिक मूल्यों का वर्णन करने के लिए अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करें। तप, संयम एवं धैर्य से आत्मा को बलवान बनाएं, साहसी बने। एक कहावत है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कायर एवं आलसी व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका मन है। जिसका मन मजबूत है, जिसके इरादे बुलंद हैं, उसे तो यमराज भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकता। इरादों से जो टकराए वह तूफान कहलाता है।
जो तूफानों पर छा जाए वही इंसान कहलाता है। साहसी व्यक्ति जब कोई भी इरादा कर लेता है तो फतह सतह ही उसके लिए रतमस्तक हो जाती है। नेपोलियन एवं सिकंदर ने जब फतह के लिए अपना इरादा किया तो देखते ही देखते साम्राज्य एवं सभ्यताएं उनके आगे नतमस्तक हो गईं। साहस सफलता की कुंजी है। जब लोग बातें करते हैं कि कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं बाकी नहीं, तो इसका बहुत बड़ा कारण साहस है। साहस आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर करता है एवं कायर के सामने हर रुकावट पहाड़ की तरह खड़ी होकर उसके प्रगति के पथ को अवरुद्ध कर देती है। साहस क्या है? यदि इसको समझने का प्रयास किया जाए तो यह वस्तुतः डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस वस्तुतः डर की उपस्थिति में ही आपके मन में उठा भाव है जो आपको वह करने को प्रोत्साहित करता है जो आप चाहते हैं। डर तो है, लेकिन साहस उस डर के होते हुए भी आपको इच्छित कार्य करने को तैयार करता है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में साहस का कहीं नाम नहीं होता। अधिकांश घरों का परिवेश कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अनावश्यक खतरे मोल नहीं लें, भीड़ से दूर रहें, अनजान लोगों से बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हो। परिवार की संस्कृति के नाम पर बच्चे में प्राकृतिक साहस की प्रवृत्ति को भी दबाने का प्रयास चलता रहता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति अधिकांश लोगों में इतनी अधिक समा जाती है कि वे हमेशा सुरक्षित पारी खेलने में ही विश्वास रखते हैं। उनकी कुछ अलग हटकर करने की इच्छा, कुछ विशेष करने की कल्पना समाप्त सी हो जाती है। ऐसे लोग सामान्य नीरसता जीवन जीने के आदि हो जाते हैं। यदि ठान लिया है तो उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। मंजिल आपकी है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आप साहसी बने, जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार सही दिशा में ले जाने की हिम्मत रखें। साहसी होने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि खुद को हीरो साबित करने के लिए जलती हुई बिल्डिंग से किसी को बचाने या पानी के तेज बहते दरिया में मात्र किसी शर्त पूर्ति के लिए कूद जाए। साहसी होने का अर्थ है कि हमें अपने असफल होने का भय नहीं होना चाहिए। इस भय को दूर रखते हुए पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें जोखिम उठाने से भी नहीं डरना चाहिए। जोखिम उठाने का अर्थ पूर्व गणना करके प्री कैलकुलेटर रिस्क उठाया जाने वाला कदम है। ऐसा करने से हमें अपने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम थोड़ा भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे तो कुछ भी नया कदम नहीं उठा सकेंगे। हमें साहसी होने का मूल्य समझना चाहिए। एक साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति पूर्ण निष्ठावान होता है। वह सफलता की राह में आने वाली हर चुनौती का पूरी दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम होता है। साहस के दम पर विश्व में ख्याति प्राप्त करने वालों में मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम से आप सभी परिचित होंगे। जीवन में कुछ करने के लिए, जीवन में जीत हासिल करने के लिए ना तो धर्म ना जाति बाधा बन सकती है, ना ही उम्र। उम्र का लंबा पड़ाव पार करने वाले लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, जबकि अपने अंदर कुछ करने की ठान लेने वाले लोगों के लिए उनकी उम्र भी बाधा नहीं बनती है। दुनिया भर में हिम्मत की मिसाल बन चुकी पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही तालिबानी विरोध के बावजूद पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा को लेकर आवाज़ बुलंद की और 15 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उसने वह कर दिखाया जिसके बारे में मैच्योर पर्सनालिटी वाले लोग सोच भी नहीं सकते। फांसीवादी हिटलर की तानाशाही एवं उसके यातना शिविर के खिलाफ डायरी लिखने वाली 12-13 वर्ष की लड़की एने फ्रैंक की तरह तालिबानी आतंक के खिलाफ बीबीसी की उर्दू सेवा पर गुल मकई के छदम नाम से सामने आई। डायरी 11 वर्षीय मलाला यूसुफ़ज़ई द्वारा लिखी गई थी जिससे दुनिया ने तालिबान के असली चेहरे को पहचाना, लड़कियों एवं महिलाओं के बारे में उनके घृणित नज़रिए को जाना। मलाला की डायरी और उसके बेबाक जज्बे ने तालिबान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इससे छुटकारा पाने के लिए तालिबानी आतंकियों ने 9 अक्टूबर 2012 को मलाला पर जानलेवा हमला किया। मौत के मुंह में चली गई मलाला को किसी तरह बचा लिया गया। आज वह लड़कियों की शिक्षा की मांग की प्रतीक बन गई हैं। तालिबानी हमलावर उस पर गोलियों की बौछार करने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। आज दुनिया के हर गली चौराहे पर मलाला की हिम्मत एवं दृढ़ता की चर्चा हो रही है और न जाने कितनी लड़कियां मलाला बनने को तैयार हो गई हैं। कहा जाता है कि यदि आपने कुछ करने की जिद कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
आपकी उम्र भी नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं साहस से जीत हासिल करने का उदाहरण मलाला से बेहतर मिलना मुश्किल है। साहस स्वस्थता सफलता प्राप्ति के लिए अति आवश्यक गुण हैं। जीवन एक संघर्ष है, सफलता के पथ में कठिनाइयां आती हैं। प्रश्न यह है कि आप इनका मुकाबला कैसे करते हैं। यह साहस पूर्ण योग्यता ही आपकी सफलता या असफलता का फैसला करता है।